नमस्कार दोस्तों, क्या आपको अपनी आंखों पर पूरा भरोसा है? शायद आज किस वीडियो के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि आज किस वीडियो में डिस्कस करने वाले 10 अमेजिंग ऑप्टिकल इल्यूजन्स, जिसमें आपकी आंखों को दिख कुछ और रहा होगा पर एक्चुअल में होगा कुछ और। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस फोटो में आपको कितने डॉट नजर आ रहे हैं? अगर आपको दो डॉट दिख रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में इसमें 5 डॉट है। नहीं दिखे? एक बार इस वीडियो पर टैप कीजिए। अब आपको यहाँ ऊपर की साइड 3 डॉट और दिख रहे होंगे। हो गए ना 5? अपार्ट फ्रॉम जोक्स गाइस, सीरियसली सबसे पहले देखते हैं अपना पहला ऑप्टिकल इल्यूजन। तो दोस्तों, इस फोटो को देखिए। इस फोटो में आप किसी भी बीज को देखेंगे तो आपको बाकी सर्कल में मुंह होते दिखेंगे। तो दोस्तों, आप में से कुछ को लग रहा होगा कि ये कोई फोटो नहीं, ये कोई वीडियो या गिफ्ट फाइल है जिससे हमें पागल बनाया जा रहा है। तो आपकी तसल्ली के लिए मैं इस फोटो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, जिससे आप इसे अपने डिवाइस में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इल्यूजन की ओर। अब इस फोटो को देखिए। ये एक काफी पॉपुलर इल्यूजन है, आपने अपने फेसबुक इंस्टा पे कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इसमें आपको ब्लैक बैकग्राउंड के साथ व्हाइट डॉट दिख रहे होंगे। इसमें जैसे ही आपकी नजर एक सर्कल से दूसरे सर्कल की ओर जाती है, पहले वाला ब्लैक लगने लगता है। तो दोस्तों, इसमें आपको ऐसा लगता है कि इन डॉट्स में से कोई डॉट ब्लैक कलर का है, क्योंकि अपना बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है। अगर आपको इस फोटो का भी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले इल्यूजन की ओर। इस फोटो को भी देख लीजिए, ये भी काफी पॉपुलर है। इसमें आपको ये आधा ब्लैक और आधा व्हाइट दिख रहा होगा। अभी आप इसके बीच में अपनी फिंगर रखिए, अब आपको दोनों ब्लैक नजर आ रहे होंगे। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फोटो में 3 कलर, ऊपर ब्लैक, बीच में व्हाइट, फिर ब्लैक। जैसे हम कैजुअली उस फोटो को देखते तो हम ऊपर वाले ब्लैक को नीचे वाले व्हाइट के साथ कंपेयर कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि ऊपर वाला पोर्शन ब्लैक है, नीचे वाला व्हाइट। पर जैसे हम बीच में फिंगर लगा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ऊपर वाला पोर्शन भी ब्लैक और नीचे वाला पोर्शन भी ब्लैक। अगर आपको इस फोटो का भी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए बढ़ते हैं अगले इल्यूजन की ओर। तो दोस्तों, एक बार इस फोटो को भी देखिए। इस फोटो में आपको इन स्क्वेयर्स के बीच वाली लाइन टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही होगी, बट एक्चुअली ये सारी लाइंस पैरेलल हैं। एक बार इन स्क्वेयर्स को छुपा के ट्राई करके देखिए, है ना ये पैरेलल। ऐसा ही ऑप्टिकल इल्यूजन इस फोटो में भी होता है। इसमें भी लाइंस पैरेलल हैं बट दिखती नहीं है। दोस्तों, इन इमेजेस में हमें ये इल्यूजन इसलिए नजर आता है क्योंकि पहले वाले में जो स्क्वेयर्स है वो सीधे अरेंज नहीं है, कोई आगे है कोई पीछे, जिसकी वजह से हमारी आईज में ऐसा परसेप्शन चला जाता है कि ये लाइंस ही सीधी नहीं है। दूसरे वाले में जो आउटकम्स निकले हुए, इनकी वजह से हमें लाइंस पैरेलल नजर नहीं आ रही। इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इल्यूजन की ओर। दोस्तों, एक बार इस फोटो की ओर भी गौर फरमाइए। इस फोटो में आपको ऐसा लग रहा हो जैसे आप एक सर्कल को देखते तो बाकी रोटेट हो रहे हैं, पर एक्चुअल में कोई कहीं रोटेट नहीं हो रहा, ये केवल हमारी आंखों का धोखा। दोस्तों, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले इल्यूजन की ओर। अब इस फोटो में देखिए, इसमें आप जैसे ही मिडिल सर्कल को देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये बैकग्राउंड रोटेट हो रहा है, पर एक्चुअल में तो एक स्टिल फोटो है। तो ये भी आपकी आंखों का धोखा ही है। ऐसा ही एक और फोटो देखिए, इसमें भी आपको ये बॉल चलती हुई नजर आ रही होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, एक बार इस फोटो की ओर भी ध्यान दीजिए। इसमें आपको ये एक लहराता हुआ कपड़ा जैसा नजर आ रहा होगा, ऐसा लग रहा हो जैसे कि ये मूव कर रहा है। तो दोस्तों, इस इमेज में क्या होता है, हम इस इमेज के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर अपनी आईसाइट को स्वैप करते तो हमें ऐसा लगता है कि पहले वाला पार्ट मूव हुआ, पर एक्चुअली एक स्टिल इमेज है। यकीन नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन से इमेज डाउनलोड कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले इल्यूजन की ओर। इस फोटो को भी आप अनकॉन्शियसली देखेंगे तो लगेगा कि ये ज्यादा कुछ नहीं, बस कई सारे डॉट्स एक ऑर्डर में अरेंज किए गए, बट जब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन डॉट्स के बीच कुछ लिखा हुआ है। जैसे इस फोटो में लिखा हुआ है हाइड एंड सीक। एक्चुअली इस इल्यूजन के पीछे क्या रीजन है कि इसमें सारे डॉट सेम साइज के नहीं है, जहां पे लिखा गया है वहां डॉट छोटे हैं ताकि हमें लिखा हुआ अच्छे से स्पॉट हो पाए। चलिए बढ़ते हैं अगले इल्यूजन की ओर।
इस फोटो में देखिए, इसमें आपको पीछे वाला ये गोरिल्ला बड़ा नजर आ रहा होगा और आगे वाला छोटा, पर हम जैसे इस बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं, सरप्राइज दोनों सेम साइज के हैं। दोस्तों ये इमेज जो है 3D इमेज है, हमें ऐसा लगता है कि जो ऊपर वाला गोरिल्ला वो पीछे खड़ा है इसलिए वो बड़ा होगा, पर जैसे हम इसके बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं हमें पता चलता है कि दोनों सेम साइज के। ऐसा ही इल्यूजन आपको इस फोटो में भी दिखेगा। इसमें भी आपको ये लग रहा होगा कि पीछे वाली खिड़की बड़ी है और आगे वाली छोटी, पर एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों सेम साइज की हैं। ये भी बैकग्राउंड के कारण ही हो रहा है। दोस्तों एक बार इस फोटो की और भी गौर फरमाइए, इस फोटो में आपको कितने कलर नजर आ रहे हैं? आप में से ज्यादातर को इसमें 4 कलर नजर आ रहे होंगे, पर दोस्तों एक्चुअली इसमें 3 कलर हैं। जो ये ऊपर वाला ब्लू और नीचे वाला ग्रीन है, ये दोनों सेम कलर हैं। आई नो दोस्तों आपको ये वाला इल्यूजन डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा। इसमें एक्चुअली क्या होता है, हमारी आईज जो होती हैं वो रिलेटिवली काम करती हैं। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ब्राइट बैकग्राउंड में रख देते तो हमें वो डार्क लगता है, और अगर हम उसको डार्क बैकग्राउंड में रख देते तो हमें ब्राइट लगता है। ऐसा ही कुछ इस इमेज में हुआ है। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, इसमें दोनों पेयर्स में से आपको कौन सा ब्राइट लग रहा है? राइट वाला। हर बार की तरह इस बार भी आप गलत हो, क्योंकि ये दोनों सेम कलर के हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें से जो ब्राइट बैकग्राउंड से गिरा हो वो हमें डार्क लगता है, और जो डार्क बैकग्राउंड से गिरा हो वो हमें ब्राइट लगता है। फाइनली दोस्तों आई होप आपको हमारी ऑप्टिकल इल्यूजन वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।